एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी, उसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। उन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो मुझे निकालना है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर आपको याद हो अभी हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रिपिटल, यहाँ से हमने एम वी स्क्वायर निकाला था। इस एम वी स्क्वायर को उठा के यहाँ पे पुट कर लो तो कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी आ गई। पोटेंशियल क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, 1/4πε0Q1Q2R, एक प्रोटोन है एक इलेक्ट्रॉन है और आर, ये काइनेटिक ये पोटेंशियल। टोटल एनर्जी क्या होगी इन दोनों का सम। तो ऐड करते हैं काइनेटिक एंड पोटेंशियल, ऐड करके ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है 1/4πε0 विद नेगेटिव साइन E2/2R। अगर आप काइनेटिक का फॉर्मूला देखो E2/2R और टोटल का देखो, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, तो इससे रिजल्ट क्या आएगा, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन साइन नेगेटिव का फर्क है। तो कभी कभी वो ऑब्जेक्टिव में घुमा सकता है ऐसे, कैसे, टोटल एनर्जी क्या होती है पोटेंशियल एंड काइनेटिक, और टोटल एनर्जी नेगेटिव ऑफ काइनेटिक, काइनेटिक काइनेटिक -2 काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो ऐसा रिजल्ट आ सकता है, या ऐसा भी आ सकता है टोटल इज पोटेंशियल एंड काइनेटिक, काइनेटिक इज माइनस टोटल, तो यहां से टोटल टोटल इकट्ठा हो गया, 2 times total इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो कुछ भी आ सकता है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या निकाला, -1/4πε0E2/2R, और रेडियस का बड़ा सा फॉर्मूला हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ऊपर। इस बड़े से फॉर्मूले रेडियस को यहां से उठा के यहां पे पुट कर देते हैं डिनोमिनेटर में, तो एनर्जी का ये फॉर्मूला बन जाता है, याद नहीं करना आपने। इसके अंदर अगर आप ये सारी वैल्यूज को पुट करें 1/4πε0 2πHE, तो बड़ा आसान सा फॉर्मूला आएगा इसको सॉल्व करके, -13.6 N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपने केमिस्ट्री में सुना होगा कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, -13.6 N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है यहां तक, तो याद रखने हम अपने न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला लगाएंगे। बहुत सारी ऑब्जेक्टिव बुक्स फॉर्मूला टोटल एनर्जी का ये लगाती हैं, वो ये नहीं लगाती, वो ये लगाती हैं RHC/N². R का मतलब रिडबर्ग्स कांस्टेंट, H का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन अगर करोगे तो 13.6 आता है, तो ये क्यों लगाएंगे, ये लगाएंगे, बुक्स को लगाने तो जो लगाती हैं, बट हाँ आपको बता रहा हूँ कि RHC का मतलब 13.6 ही है। क्लियर है, मैं ये लगाता हूँ ज़्यादातर, ठीक है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपर शेल से लोअर शेल में गिरेगा तो एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, एच न्यू। तो इनिशियल एनर्जी क्या होगी, -RHC/NI², और फाइनल क्या होगी, -RHC/NF². इन दोनों माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, एच न्यू आ जाएगा। अब एच न्यू क्या होता है, HC/λ, तो HC क्या हो गया, कैंसल, और ये क्या आ गया, 1/λ। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन अपर शेल से लोअर शेल में गिरता है तो उसकी वेवलेंथ क्या होती है, ये होती है, इस पे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, NCERT में भी आते हैं और कॉम्पिटिशन में भी आते हैं। 1/λ का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करो, इंपॉर्टेंट मार्क करो इसे।